साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। आज हम बात करने वाले हैं साल 1988 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती की, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई दिग्गज कलाकार देखने को मिले थे, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग और दमदार डायलॉग से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। वेल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही हम आपको इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गंगा जमुना सरस्वती से जुड़े अननोन फैक्ट के बारे में। दोस्तों, गंगा जमुना सरस्वती एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसे 23 दिसंबर 1988 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी, शेषाद्री, जया पर्दा, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी और मुराद, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से फिल्म को सफल बनाया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था फेमस डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने। इस फिल्म से पहले मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जिनमें अमन अकबर, एंथोनी, सुहाग, नसीम, देश प्रेमी, कुली और मर्द जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म की स्टोरी लिखी थी प्रयागराज ने, फिल्म के डायलॉग लिखे थे कादर खान ने, प्रोड्यूस किया था एस रामनाथन ने, फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। इस फिल्म में कुल 10 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम काफी अच्छा था, तभी तो इस फिल्म के गाने उस दौर में काफी पॉपुलर हुए थे। फिल्म के पॉपुलर गाने थे साजन मेरा उस पार है, चूड़ियां खनकी, एक एक हो जाएं, फिर घर चले जाना, डिस्को भांगड़ा, तेरे दर को छोड़ चले, पति परमेश्वर, गंगा आजा, नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती और फिल्म का टाइटल सॉन्ग गंगा जमुना सरस्वती। इन गानों के लिरिक्स लिखी थी इंदिवर और प्रयागराज ने और गानों को अपनी सुरीली आवाज दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीजो, मकबूल अहमद, सबरी, पंकज उदासी, सुरेश बाडकारी और साधना सरगम ने। अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म मेकर्स द्वारा कहीं पर भी इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस फिल्म का अप्रोक्सीमेट बजट 6 करोड़ था और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था करीब 3,50,00,000 रुपए का और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ रुपए का, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, फिल्म गंगा जमुना सरस्वती उस समय रिलीज की गई थी जब 80 के दशक लगभग पूरी तरह खत्म होने वाला था। ये फिल्म मनमोहन देसाई के करियर की एज अ डायरेक्टर आखिरी फिल्म थी और ये वही समय था जब 1990 के शुरुआत में अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर नीचे की तरफ चला गया था और अमिताभ बच्चन, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की गोल्डन पीरियड वाली फिल्मों का भी दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। फिल्म गंगा जमुना सरस्वती की प्रोडक्शन वैल्यू मनमोहन देसाई की पुरानी फिल्मों के कंपैरिजन में बहुत कम थी और फिल्म की ये वैल्यू फिल्म को देखते समय उसके सीन्स में भी साफ दिखाई देती है। जैसे फिल्म के बहुत सारे सीन्स तो स्टूडियो के अंदर ब्लू स्क्रीन के सामने शूट किए गए थे, यहाँ तक कि इन सीन्स की एडिटिंग भी ठीक तरह से नहीं की गई थी। एक्चुअली मनमोहन देसाई इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने से पहले अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर चुके थे और मनमोहन देसाई इस फिल्म को अपनी पिछली फिल्मों के कंपैरिजन में काफी जल्दी और कम बजट में बना रहे थे। मनमोहन देसाई साल 1985 में आई अपनी फिल्म मर्द के पहले ही दो फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिनमें से एक की ब्लॉकबस्टर फिल्म अमन अकबर एंथनी का सीक्वेंस अमन अकबर एंथनी 2 की दूसरी फिल्म थी हिफाजत। साल 1985 में ही मनमोहन देसाई ने फिल्म अमर अकबर एंथनी 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसकी पूरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट कादर खान ने लिखी थी, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ बच्चन की कई फिल्में और उनके जबरदस्त डायलॉग को लिखा था और ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, उसे 3 एक्ट्रेस को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, जिनमें शामिल थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और जितेंद्र। लेकिन आगे चलकर किसी वजह से जितेंद्र इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे, जिसके चलते उनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया था। पहली बार मिथुन चक्रवर्ती मनमोहन देसाई की किसी फिल्म में नजर आने वाले थे। इसी दौरान मनमोहन देसाई ने मिथुन चक्रवर्ती को अमर अकबर एंथनी 2 के अलावा हिफाजत फिल्म के लिए भी साइन कर लिया था। फिल्म हिफाजत में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आने वाले थे। बता दें कि अमर अकबर एंथनी 2 में सबसे पहले अमिताभ बच्चन का नाम गंगाराम, मिथुन चक्रवर्ती का नाम जमुना दास और ऋषि कपूर का नाम सरस्वती चंद्र रखा गया था।
उस समय इस फिल्म के लिए इन तीनों को काफी सारी फोटोशूट भी किए गए थे। लेकिन जब तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू होती, इससे पहले ही मनमोहन देसाई और कादर खान के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहा जाता है कि इस स्क्रिप्ट के लिए कादर खान ने ज्यादा फीस की डिमांड की थी, लेकिन मनमोहन देसाई कादर खान को एक रुपए भी ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। इसलिए मनमोहन देसाई ने इस प्रोजेक्ट को बीच में ही कैंसिल कर दिया था और मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर हिफाजत फिल्म की प्लानिंग करने लगे थे। लेकिन फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर एक पाकिस्तानी का था और उस समय मनमोहन देसाई को पाकिस्तान में फिल्म शूट करने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसी वजह से मनमोहन देसाई की फिल्म हिफाजत भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ये मनमोहन देसाई ने हिफाजत टाइटल अपने राइटर प्रयागराज को दे दिया था, लेकिन उन्होंने इसमें से शत्रुघ्न सिन्हा के कव्वाली वाले किरदार को ले लिया था और बाद में ये किरदार उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को देकर प्रयागराज द्वारा लिखी गई दूसरी स्क्रिप्ट गंगा जमुना सरस्वती में इंक्लूड किया, जिसमें तीन हीरो के बजाय सिर्फ अमिताभ बच्चन लीड एक्टर के तौर पर थे और लीड एक्ट्रेस के तौर पर मीनाक्षी शेषाद्री और जया पर्दा को ले लिया गया था, जिसकी पूरी थीम भारत की तीनों नदियों गंगा जमुना सरस्वती पर बेस्ड थी। जैसे गंगा और जमुना दो नदियां मिलती हैं और सरस्वती नदी काफी पहले ही विलुप्त हो गई, वैसे ही फिल्म के लास्ट में अमिताभ बच्चन और मीनाक्षी शेषाद्री मिलते हैं और जया पर्दा की मौत हो जाती है। इस तरह से फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट की गई और शूटिंग स्टार्ट की गई। फिल्म के बहुत सारे सीन्स इलाहाबाद में गंगा और जमुना के संगम और यूपी की बहुत सी खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किए गए थे और फिल्म के बहुत सारे सीन्स फिल्म सिटी मुंबई में लगाए गए सेट पर शूट किए गए थे। फिल्म के अंदर हमें एक गड्ढे में बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई देते हैं, बता दें कि वो रियल मगरमच्छ थे। और फिल्म के एक सीन में जहां अमिताभ बच्चन मगरमच्छ के तालाब के ऊपर लटके हुए दिखाई देते हैं, उस सीन में तो साफ साफ उनके पीछे मगरमच्छ की पहले से ही रिकॉर्ड की गई एक ब्लू स्क्रीन चलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा फिल्म के लास्ट में अमिताभ बच्चन एक बड़ा सा मगरमच्छ अपने कंधों पर लेकर अमरीश पुरी के सामने आते हैं। बता दें कि इस सीन के लिए एक रबड़ के मगरमच्छ का यूज किया गया था, जिसका वजन करीब 20 किलो का था। इसके अलावा फिल्म के चूहे वाले सीन के लिए एक चाबी वाले चूहे का इस्तेमाल किया गया था। अगर इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चाबी वाला चूहा साफ दिखाई देगा। इन सब के अलावा फिल्म में ऐसे कई और सीन्स थे जिससे फिल्म की लो वैल्यू नजर आ रही थी, लेकिन फिल्म में नजर आए कलाकारों की एक्टिंग जबरदस्त थी। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म को देखा तो मिथुन चक्रवर्ती मनमोहन देसाई से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती को पहले लग रहा था कि उनका रोल काफी बड़ा होगा, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उनके कई सारे सीन्स कट कर दिए गए थे, जिसके चलते फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का रोल सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आ रहा था। बता दें कि मनमोहन देसाई ने फिल्म का पूरा फोकस अमिताभ बच्चन पर रखा था, जिसे देखकर मिथुन चक्रवर्ती को काफी गुस्सा आ गया था। दरअसल इस गाने को सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती के गाने डिस्को डांसर को ध्यान में रखते हुए फिल्म के अंदर उन्हीं पर फिल्माया जाने वाला था, लेकिन बाद में किसी वजह से मनमोहन देसाई ने ये गाना मिथुन चक्रवर्ती की बजाय अमिताभ बच्चन पर शूट किया। इस गाने में हमें अमिताभ बच्चन कुछ माइकल जैक्सन वाले स्टेप करते हुए दिखाई देते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे स्टेप अमिताभ बच्चन पर सूट नहीं कर रहे थे। आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मनमोहन देसाई जया पर्दा से नाराज थे। दरअसल जब गंगा जमुना सरस्वती फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी समय जया पर्दा ने निर्माता श्रीकांत नाहिटा से शादी कर ली थी, जिसके चलते जया पर्दा की शादी की खबरें मीडिया में आग की तरह फैल गई थीं। ये सब देखकर मनमोहन देसाई को लग रहा था कि जया पर्दा की शादी से फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी फर्क पड़ेगा। आपको बता दें कि मनमोहन देसाई ने गंगा जमुना सरस्वती फिल्म में राज कपूर को डेडिकेट की थी। दरअसल मनमोहन देसाई राज कपूर को बहुत मानते थे, इसलिए राज कपूर के निधन हो जाने के बाद मनमोहन देसाई ने ये फिल्म राज कपूर को डेडिकेट की थी। ये हमें फिल्म की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गंगा जमुना सरस्वती फिल्म की खास पेशकश। वेल, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।